दोस्तों, अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी की बात करता हूं तो लास्ट एक वीक का स्टैटिस्टिक्स यहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से दिया गया है, जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ये मेंशन किया गया है कि 10,000 से भी ज़्यादा का कस्टमर जो है वो वोडाफोन के अंदर पोर्ट इन करने का इंटरेस्ट दिखाए। देखिए, वोडाफोन आइडिया इससे पहले मेनली अपने मार्केटिंग को किस तरीके से करते थे, एक बार अगर आप सोच के देखते हैं, आज से 3-4 महीने पहले तक वोडाफोन आइडिया अपने हीरो अनलिमिटेड ऑफर दे रहा है, डबल डेटा ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, ब्रिंजोल नाइट, वीकेंड डेटा, इस तरीके का चीज़ दे रहा है। तो इसके ऊपर मेन फोकस था। कुछ थोड़े बहुत एड्स जो आपको टेलीविजन के अंदर देखने के लिए मिलते थे, उस एड्स के अंदर मेनली इसी चीज़ को फोकस किया जाता था। आज के डेट के अंदर भी वोडाफोन आइडिया ये सारे बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया मैक्सिमम रिपोर्ट्स के अंदर मेनली ये जो हीरो अनलिमिटेड का बेनिफिट्स है इसका मेंशन नहीं करते। अभी के टाइम के अंदर जो भी वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कर रहे हैं वो कितने सब्सक्राइबर अपने से ऐड किया है, कौन से सर्कल्स के अंदर कितने सब्सक्राइबर अपने से ऐड किया है, कितने मतलब खोने का तो कोई चांस ही नहीं है, कहाँ पर कितना परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है, कस्टमर्स कितना पसंद कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर रहा है वोडाफोन आइडिया। अगर आप ध्यान से देखते हैं पिछले कुछ हफ्तों से मैं जो भी वीडियोज़ यहाँ पर बना रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट हमारे पास निकल के आए हैं वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भाई ये कंपनी इतने सब्सक्राइबर्स अपने से ऐड किया है इतने महीने के अंदर, यही हम लोग आपसे बोल रहे हैं। लेकिन वीआई कंपनी ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, वीआई कंपनी को ये पता चल गया कि हमारे बिजनेस को अगर सस्टेन करना है तो हमें कस्टमर्स को अपने से रिटेन करके रखना होगा। जितना ज़्यादा कस्टमर्स हमारे साथ रहेंगे उतने बढ़िया तरीके से हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और उतने दिनों तक हम एग्जिस्ट यहाँ पर कर पाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर। तो वीआई कंपनी को ये पता चल गया है। अभी देखिए, एक नॉर्मल सा फंडा आप समझिए, नॉर्मल सा साइकोलॉजी आप समझिए, एक टेलीकॉम कंपनी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो आप अगर देखते हैं कि आपके सामने 3 टेलीकॉम कंपनी है जहां पर एक टेलीकॉम कंपनी की खबर आपके पास बार बार आ रही है कि यहां पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका मन क्या करेंगे कि हाँ मैं भी उसी कंपनी से जुड़ जाऊं, मैं उसी कंपनी का सिम कार्ड जो है वो यहाँ पर ले लूँ। ठीक सिमिलर स्ट्रैटेजी जो वो वीआई कंपनी यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी मैक्सिमम जगह के अंदर ये बता रहा है कि वो कितने सब्सक्राइबर्स अपने से ऐड किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली सर्कल की बात करता हूँ तो कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मार्च और अप्रैल महीने के अंदर दिल्ली सर्कल के अंदर वीआई कंपनी ने 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड किया है। कुछ दिन पहले मैंने गुजरात सर्कल की बात किया था तो वहाँ पर भी सब्सक्राइबर ऐड किया है। तो इस तरीके का सर्कल वाइज वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट जो वो यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से महीने का रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है और वहाँ पर हर वक्त नेगेटिव रिपोर्ट ही रहते हैं वीआई कंपनी के अंदर कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर वीआई कंपनी को छोड़कर चले गए। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी खुद से ये रिपोर्ट को बना रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट गलत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सर्कल्स को यहाँ पर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया जहाँ पर अच्छे खासे परफॉर्म वो करते हैं और उसका रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश कर रहा है ताकि लोगों के अंदर एक अच्छे खासे इमेज यहाँ पर जनरेट हो। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि लास्ट एक हफ्तों के अंदर 10,000 लोग जो वो वोडाफोन आइडिया के अंदर पोर्ट इन करने का रिक्वेस्ट यहाँ पर किया है, मतलब किसी दूसरे कंपनी से वोडाफोन आइडिया के अंदर आएंगे इसका इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा है। हालांकि ये 10,000 लोग मतलब हर एक लोग वीआई कंपनी के अंदर नहीं आए, मतलब इंटरेस्ट उन्होंने दिखा है। उसी के साथ साथ वीआई कंपनी की तरफ से ये भी कन्फर्म किया गया कि अगर आप वीआई कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया के जो एग्जीक्यूटिव है वो अच्छे तरीके से कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं वो सारे कस्टमर्स को, ताकि वो अपने वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो सिम कार्ड है उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ इंटैक्ट रहे। हालांकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि किसी भी कस्टमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पोर्ट का रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जब भी पीओ कैपिटल पर PORT लिखकर स्पेस देकर मोबाइल नंबर लिखकर जब भी 1900 पर आप SMS सेंड करते हैं तो कुछ ही देर के अंदर उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास से आपके पास कॉल आ जाते हैं और आपको बहुत सारा अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है कि भाई देखो 100 रुपये का रिचार्ज कर लो आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे। तो इस तरीके के अट्रैक्टिव ऑफर देकर कस्टमर्स को अपने से इंटैक्ट रखना चाहते हैं। तो ट्राई की तरफ से डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया कि किसी भी कस्टमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब एक कस्टमर्स को इतना बढ़िया बेनिफिट्स मिला दूसरे कस्टमर्स को नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं चलेंगे, जो होगा हर एक कस्टमर्स के साथ सिमिलर चीज़ होगा। तो इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिसे हर टेलीकॉम कंपनी को मानना पड़ेगा। तो वीआई कंपनी की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है कि वो अपने से सब्सक्राइबर को इंटैक्ट रख पा रहे, अभी ट्राई ये छानबीन करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर रख पा रहे, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, क्या वो सारे कस्टमर्स को अच्छे खासे ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे,
वो देखने वाली बात है। अभी अगर मैं वीआई कंपनी की बात करता हूँ तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं। अगर कंपनी अपने सर्विस को बेहतर करे तो जिस तरीके का डेटा ऑफर मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स डेफिनेटली वीआई कंपनी के साथ रहेंगे। ये मेरा भरोसा है क्योंकि मैं भी एक वीआई के ग्राहक हूँ और मेरे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्पीड, काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी देते हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताओ कि अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है, जो सर्विस है वोडाफोन आइडिया का, वो आपके एरिया के अंदर कैसा है। तो अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मिलेगा तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।